हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सियाज़ बुफे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काले चना की रेसिपी। काले चना तो आप सभी को मालूम है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं एंड फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ हेल्दी बनाया जाए। तो आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही सिंपल एंड बेसिक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो काले चना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर काले चना लिए हैं, लगभग ये 250 ग्राम यानी कि 1 कप काले चना है, जिन्हें मैंने ओवरनाइट सोक किया था, ऑलमोस्ट 10 टू 12 आवर्स के लिए सोक होने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले हम इन्हें बॉईल कर लेंगे। मोस्टली काफ़ी लोग ऐसे ही खाना प्रेफर करते हैं, अगर आप ऐसे ही खाते हैं तो आप इसी में ओनियन टमाटो सब डालकर खा सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे खाना नहीं पसंद है तो आप ये रेसिपी देखिए। तो पहले हम काले चना को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉईल करने के लिए लगभग 2 ग्लास पानी यूज़ किया है, मतलब हमें पानी इतना यूज़ करना है जिसमें बस चने अच्छे से डिप हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर यूज़ नहीं करना है। उसमें हम ऐड करेंगे लगभग 2 चम्मच नमक, नमक ऐड करने के बाद हमें प्रेशर कुक कर लेना है चनों को, ऑलमोस्ट 3 to 4 विसल तक, हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो वो चने अच्छे से बॉईल नहीं हो पाएंगे, तो हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही बॉईल करना है। जब तक चने बॉईल हो रहे हैं हम ओनियन कट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ ओनियन यूज़ करने वाली हूँ एंड ग्रीन चिली, आप चाहें तो टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं या और भी कोई वेजिटेबल्स है जैसे कि कैरेट हुई, बीन्स हुए, आप वो भी डाल सकते हैं अपने चॉइस का। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल बनाने वाली हूँ चने, तो बस मैं ग्रीन चिली यूज़ करूँगी एंड प्याज। अभी हमारे चने भी बॉयल हो गए हैं, तो जब कुकर का पूरा अच्छे से प्रेशर निकल जाए उसके बाद ही हम कुकर को ओपन करेंगे। तो बस हमें एक दाना प्रेस करके देखना है, अगर चना बहुत ही इजीली प्रेस हो जा रहा है मतलब कि जो चने हैं वो परफेक्टली बॉयल हो गए, हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना, मतलब चने जो है वो फटने नहीं चाहिए। तो बस आप देखिए ये मतलब परफेक्टली बॉयल हुए हैं। तो बस हम जो भी जो एक्सेस वाटर है वो स्ट्रेन कर देंगे। अगर आप चने मसाला की ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो अभी हम जो वाटर निकालेंगे ये आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, इन्हें फेंके नहीं, बट हम जो बनाने वाले हैं वो बिल्कुल ड्राई चना मसाला यूज़ करने वाले हैं, तो जो वाटर है उसका कोई यूज़ नहीं होगा। आप चाहे तो ये पानी को अगर आप कोई और सब्जी बनाने वाले हैं ग्रेवी की आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब हम चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें हम डालेंगे जीरा। मैं बहुत ही लिमिटेड मसाले यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज मुझे ये जो चने बनाने हैं बिल्कुल हेल्थी बनाने, मतलब ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करने हैं। तो बस जीरा जब चटकने लगे फिर हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च स्किप करके थोड़ी सी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं, वैसे लाल मिर्च से ज़्यादा हरी मिर्च जो है वो ज़्यादा फायदा करती है। तो कभी भी आप कुकिंग करें तो ट्राई कीजिए कि रेड चिली पाउडर का यूज़ जो है वो कम ही करें। तो बस हमें ओनियन को लाइट ब्राउन होने तक कुक कर लेना है, मतलब कि ओनियन थोड़े सॉफ्ट हो जाए हमें उतना ही कुक करना है। आप ये स्टेज पे चाहें तो टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं या और भी कोई वेजिटेबल्स आपको पसंद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस फिर हमें चने ऐड कर देने। ये जो हम पूरी कुकिंग कर रहे हैं ये हमें लो फ्लेम पर ही करनी है। फिर हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर और बस थोड़ा सा नमक। नमक हमने बॉईल करने के टाइम भी ऐड किया है तो हमें नमक ध्यान से डालना है। बस हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम ऑलमोस्ट सिर्फ 2-3 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर लिड कवर करके हमें कुक करना है। हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है बिकॉज चने ऑलरेडी बॉयल है, तो बस हमें इतना कुक करना है कि जो मसाले हों वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए चने में। तो बस आफ्टर 2-3 मिनट्स के बाद आप देखेंगे चने अच्छे से कुक हो गया है, मतलब मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो गया चनों के साथ। तो बस ये हमारे रेडी है चना। मैंने बहुत कम मसाले इसलिए ऐड किए बिकॉज मुझे बहुत हेल्दी बनाना था, मुझे चाहिए नहीं था कि हम इसमें ज़्यादा गरम मसाला वगैरह कुछ भी ऐड करें बिकॉज गरम मसाले ये सब जो है ये काफ़ी गरम होता है बॉडी के लिए। तो मैंने सिर्फ
सिंपल सा मसाले यूज़ किए। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, आप चाहे तो चाट मसाला स्किप करके लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारे चना मसाला रेडी है। तो मोस्टली आपको सबको पता होगा कि काले चना जो है वो फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, और मोस्टली हम जो वेजिटेरियंस हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमें प्रोटीन बहुत कम मिल पाता है। तो हमें ऑलमोस्ट जो चने हैं ये काले चने वीक में एक बार तो अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए। तो हम ब्रेकफास्ट में कभी भी बना के खा सकते हैं, आप बॉयल करके खाइए या फिर ऐसे ही हम सोक करके भी खा सकते हैं। तो बस इंजॉय कीजिए, है ना, बहुत सिंपल एंड प्लस हेल्दी भी। तो बस आप ट्राई करना और खिलाना, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि बॉयल चने जो है वो मोस्टली सबको अच्छे ही लगते हैं। तो बस आप इंजॉय कीजिए ये ब्रेकफास्ट में काले चने की रेसिपी। और अगर आप अष्टमी वगैरह में नवरात्रि में बना रहे हैं तो बस आप ओनियन स्किप कर दीजिए, बाकी जो आपको प्रोसेस है वो वैसा ही फॉलो करना है। तो आई होप आपको ये मेरी सिंपल एंड हेल्दी रेसिपी